ओम शांति। आज की तारीख है 23/10/22 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 13/10/92 यानी 92 की मुरली है। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। मीठे मीठे बाप दादा बोले कि आज सत शिक्षक अपनी श्रेष्ठ शिक्षा धारण करने वाले गॉडली स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि हरेक ईश्वरीय विद्यार्थी ने इस ईश्वरीय शिक्षा को कहाँ तक धारण किया है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार है। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ सभी पढ़ते हैं। मुरली अर्थात पाठ हर स्थिति पर एक ही होता है। डेट का फर्क हो सकता है लेकिन मुरली वही होती है। फिर भी नंबर वार क्यों? नंबर किस लिए होते हैं? क्योंकि इस ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है लेकिन हर महावाक्य को स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर 1 बनूं। तो ऐसे लक्ष्य है ना, लक्ष्मी नंबर 1 का लक्ष्य नंबर 1 का है लेकिन रिजल्ट में नंबरवार हो जाते हैं क्योंकि लक्ष्य को लक्षण में लाना, इसमें लक्ष्य और लक्षण में फर्क पड़ जाता है। अच्छा, अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा मिले हुए याद प्यार। तो याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले कि ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बनकर अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे सच्चे दीपक सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले ऐसे ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु शिव बाबा का कि उमंग और उत्साह के आधार पर सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग के
अंक चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उत्साह उमंग नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी भी सफल नहीं होगा। इसीलिए हिम्मतवान बन उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अच्छा स्लोगन है, दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा ओम शांति।